ब्रांड न्यू विलेजर से लेके एक ऐसा क्रीपर जो फटने पे अपने को कैंडी देगा। और बताओ कैसे हो। तो माइनक्राफ्ट का बर्थडे वीक चल रहा है और हम लोग सेलिब्रेट ना करें, ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन सेलिब्रेट करने के लिए ज्यादा दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मोजैंग ने ऐड कर दिया भाई माइनक्राफ्ट के अंदर पार्टी सप्लाईज। सारा का सारा फीचर टेस्ट करने वाले आज का वीडियो भाई धमाकेदार होगा। चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो पार्टी सप्लाईज के ऊपर जाएंगे, लेकिन उससे पहले माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन के अंदर एक भयंकर इवेंट चल रहा है भाई। इस वाले इवेंट के अंदर अपने को 15 दिन में 15 बैक टू बैक गिफ्ट मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल फोकट में भाई, फ्री में मिलेगा सारा का सारा। डे 9 तक गिफ्ट अपने को मिल चुका है, अगर अभी तक कलेक्ट नहीं किया है फटाफट कर लो भाई। फिलहाल सारा का सारा गिफ्ट पहन लेते हैं, चलते हैं पार्टी सप्लाईज के ऊपर। देखो माइनक्राफ्ट ने 15 इयर्स एनिवर्सरी स्पेशल एक एड ऑन एड कर दिया है बेडरॉक एडिशन के अंदर। इस वाले एड ऑन का नाम है भाई 15 ईयर पार्टी सप्लाईज, और ये वाला एड ऑन भाई ऑफिशियली माइनक्राफ्ट के तरफ से है। इस वाले एड ऑन को हम लोग बिल्कुल फ्री में मार्केट प्लेस से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ बेडरॉक एडिशन के लिए। तो चलो जी भैया एक नया वाला वर्ल्ड क्रिएट करते हैं और एनिवर्सरी पार्टी चालू करते हैं। देखो पार्टी मनाने के लिए पहला चीज जो हम लोगों को चाहिए होता है वो है केक। चलो जी भैया केक का जुगाड़ तो हो चुका है, अभी अपने को चाहिए होगा कैंडल। देखो नॉर्मल कैंडल से बात बनेगा नहीं, अपने को चाहिए होगा 15 ईयर स्पेशल कैंडल। अभी इस वाले 15 ईयर स्पेशल कैंडल को अगर हम लोग केक के साथ कंबाइन करेंगे तो अपने को मिल जाएगा भाई 15 ईयर स्पेशल केक। अभी ये दो लेयर वाला स्पेशल केक को अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो ये केक कुछ ऐसा दिखता है भाई। शानदार दिखने वाले इस केक के ऊपर एक 15 लिखा हुआ कैंडल भी है। पता है मजे की बात क्या है, इस वाले केक को हम लोग खा नहीं सकते। जी हाँ, कोई भी नॉर्मल बंदा इस केक को नहीं खा सकता है। इस केक को खाने के लिए अपने को एक स्पेशल विलेजर को बुलाना पड़ेगा, पार्टी विलेजर। अभी तुम लोग कहोगे वो कहाँ पे मिलेगा? देखो ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें बस केक का कैंडल जलाना है, बस काम खत्म। भुक्कर विलेजर जिधर भी होगा फटाक से आ जाएगा। ये आ चुका है अपना पार्टी विलेजर, एंड इधर देख लिया बंदे ने भाई, अब खाएगा ये केक। ये देख लो भुक्कर सारा केक खा गया। अबे खाना खा के डांस भी दिखा रहा है ये तो, लेकिन एनिमेशन भाई साहब स्मूथ एंड बढ़िया। देखो ये कोई नॉर्मल विलेजर नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक विलेजर है। इस विलेजर का नाम है भाई पार्टी विलेजर। और तो और अपना पार्टी विलेजर भाई 15 लिखा हुआ चश्मा भी पहन के आया है। देख लो भैया पार्टी विलेजर का चलने का तरीका देख लो, अलग ही चलने का तरीका है। और तो और अपना पार्टी विलेजर भाई 15 एनिवर्सरी स्पेशल केप भी पहन के रखा है। अभी इस बंदे का काम क्या है? ये वाला पार्टी विलेजर बेसिकली अपने को पार्टी का सामान देने वाला है। जी हाँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये देख लो भैया कुछ इतना सामान ये वाला बंदा अपने को देने वाला है। और तो और ये वाला बटन दबा के हम लोग पार्टी विलेजर को डिस्पॉन भी कर सकते हैं, मतलब चिंता की बात नहीं है। ये वाला बंदा भाई नेचुरली डिस्पॉन नहीं होता है। तो पहले नंबर पे अपना पार्टी विलेजर दे रहा है भाई कन्फेटी कैनन, जो कि एज ए आइटम कुछ इस तरीके का दिखता है। लेकिन अगर हम लोग कन्फेटी कैनन को अपने हाथ में पकड़ के रखेंगे तो वो कुछ ऐसा लगता है। लेकिन इसका काम क्या है? पार्टी में बम फोड़ने का काम में आता है ये। ये देख लो भाई साहब, वाओ क्या मजेदार आइटम है। लेकिन कमाल की बात ये है, जो पार्टिकल्स कन्फेटी कैनन छोड़ता है वो थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाता है, और हर एक चीज में प्रॉपर एनिमेशन है। तो मोजैंग ने तो भाई बहुत ही तगड़ा काम किया है। तो पहला आइटम तो बढ़िया था, चलते दूसरे आइटम के ऊपर जो कि है भाई बबल वांड। देखो अगर हम लोग बबल वांड को हाथ में पकड़ते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यार ये कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? मतलब बचपन में हम लोग जो बुलबुले से खेलते थे, ये कुछ उस टाइप का आइटम लग रहा है। जी हाँ 100% ये वही आइटम है। बबल वांड के मदद से हम लोग एक्चुअली में बबल बना सकते हैं। यार भाई साहब ये तो गजब ही हो गया, ये कैसा आइटम है? लेकिन खैर बबल वांड के मदद से हम लोग जगह जगह पे बुलबुला बना सकते हैं। देखो ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बवाल आइटम आने वाला है। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट कर दो, इस वीडियो का लाइक गोल रखते 3000 लाइक, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन करवा दो यार। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। खैर निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि भाई पार्टी हॉर्न। अभी देखो पार्टी हॉर्न अपने हाथ में कुछ ऐसा दिखता है, ये बेसिकली सीटी का काम करता है। जी हाँ अगर हम लोग पार्टी हॉर्न को बजाएंगे तो कुछ ऐसा साउंड आएगा।
और तो और मजे की बात ये है, इस वाले पार्टी हॉर्न का भी एनिमेशन देखने को मिलता है। काफी ज्यादा ही रियलिस्टिक पार्टी हॉर्न है। देखो पार्टी हॉर्न तो बढ़िया था, चलते अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि भाई कन्फेटी मशीन। अभी कन्फेटी कैनन तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन कन्फेटी मशीन क्या है? देखो हाथ में कन्फेटी मशीन कुछ ऐसा दिखता है और इसको हम लोग हाथ में यूज नहीं कर सकते। कन्फेटी मशीन को अपने को प्लेस करना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग कन्फेटी मशीन को प्लेस करते हैं तो फिर नजारा कुछ ये देखने को मिलता है। ओ भाई साहब, ये कौन सा आइटम है? कन्फेटी मशीन बेसिकली कन्फेटी कैनन का ऑटोमेटिक वर्जन है। कमाल का दिखने वाला ये मशीन भाई खुद से ही घूमता रहता है और चारों तरफ बम फोड़ता रहता है। यार कुछ भी कहो, ये वाला आइटम मेरे को तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगा भाई। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, पार्टी तो अभी लंबा चलेगा। चलते अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि भाई बबल मशीन। देखो नाम सुन के थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा है, ये भी एक मशीन ही है। देखो वंस अगेन, बबल मशीन को हम लोग हाथ में यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोगों को प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम लोग बबल मशीन को प्लेस करते हैं तो वो कुछ ये काम करता है भाई। देखो बबल मशीन का फंडा बिल्कुल ही सिंपल है भाई। बबल मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक तरीके से खुद से बबल बनाता है और तो और फुल्ली रोटेबल आइटम है। बबल मशीन को हम लोग किसी भी एंगल में लगा सकते हैं। देखो मामला पानी इधर ही खत्म नहीं होता है, कन्फेटी मशीन एंड बबल मशीन दोनों को हम लोग बंद भी कर सकते हैं। राइट क्लिक के मदद से हम लोग बड़े आराम से दोनों मशीन को बंद कर सकते हैं। देखो भैया मेरे को ये चीज बहुत ही बढ़िया लगा, माइनक्राफ्ट ने सही में सोचा है। ऐसा नहीं है कि बस डाल दिया और अगर फिर से चालू करना है तो दोबारा राइट क्लिक कर दो, काम खत्म। खैर निकल लेते नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि भाई पिनियाटा क्रीपर। देखो जी भैया, ये वाला जो क्रीपर है ना, ये काफी बढ़िया क्रीपर है। पिनियाटा क्रीपर को अगर हम लोग प्लेस करेंगे तो फिर ये दिखने में कुछ ऐसा है भाई। ये वाला क्रीपर दिखने में थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट टॉय जैसा नहीं है, और ऊपर एक हुक भी दिया है। इस वाले क्रीपर को अगर हम लोग पंच करते हैं तो कुछ ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। यार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदा अभी फट जाएगा? देखो ऐसा ही है, अगर हम लोग बार बार इस क्रीपर को पंच करेंगे तो फिर ये क्रीपर भाई फट जाएगा और क्रीपर के अंदर से निकलेगा भाई ब्रांड न्यू आइटम कैंडी। भाई पहली बार माइनक्राफ्ट के अंदर क्रीपर फटने पे मेरे को मजा आ रहा है। देखो जी भैया, ये वाला कैंडी सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इस कैंडी को हम लोग खा भी सकते हैं। अगर हम लोग कैंडी को खाते हैं तो अपने को थोड़ी देर के लिए जंप बूस्ट इफेक्ट मिलता है। मतलब ऐसा होता है ना, छोटा बच्चा कैंडी खा के कूदता है, इसीलिए जंप बूस्ट इफेक्ट दिया है। भाई साहब इस बार तो गजब ही दिमाग लगा दिया मोजांग ने। तो चलो जी भैया निकल लेते अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि है भाई कपकेक। जी हां, पार्टी विलेजर से हम लोग कपकेक भी खरीद सकते हैं। बेसिकली छोटा सा एक केक है जिसको ऑब्वियसली हम लोग खा सकते हैं, और अगर हम लोग कप केक खाते हैं तो थोड़ी देर के लिए अपने को स्पीड इफेक्ट मिलता है। बढ़िया है भाई, ये भी बढ़िया है। चलते अपना नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि भाई बैलून। तो इस वाले एड ऑन के अंदर पार्टी विलेजर अपने को टोटल चार तरीके का नया बैलून देने वाला है। और तो और हैरानी की बात ये है, ये बैलून भाई एडुकेशन एडिशन के बैलून से बिल्कुल ही अलग है। तो पहले नंबर पे है भाई ब्लू बैलून जो कि कुछ ऐसा दिखता है, वाओ साउंड इफेक्ट भी बढ़िया है। दूसरे नंबर पे है भाई रेड बैलून, ये भी अच्छा है भाई। लेकिन तीसरा सबसे खास है, ये है भाई क्रीपर बैलून। देखो क्रीपर बैलून को देख के ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर पे है भाई 15 ईयर स्पेशल बैलून। और ये बैलून्स भाई साहब मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा। सारा का सारा बैलून को हम लोग सीधे जमीन के ऊपर भी लगा सकते और इनका एनिमेशन भी काफी बढ़िया है। चलो जी भैया निकल लेते नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि है भाई स्पार्कलर। स्पार्कलर को अगर हम लोग हाथ में पकड़ के रखते हैं तो फिर वो कुछ ऐसा दिखता है, और अगर हम लोग स्पार्कलर को प्लेस करते हैं तो फिर ऐसा बन जाता है। रात में ये वाला स्पार्कलर भाई थोड़ा बहुत लाइट भी प्रोवाइड करता है। लेट्स गो, निकल लेते नेक्स्ट वाला आइटम के ऊपर जो कि भाई ग्रीन बंटिंग एंड व्हाइट बंटिंग। अभी ये क्या नया जलवा है? देखो ये बेसिकली पार्टी फ्लैग्स है। ग्रीन एंड व्हाइट बंटिंग को हम लोग बड़े आराम से हैंगिंग साइन की तरह लगा सकते हैं, और दिखने में दोनों बंटिंग कुछ ऐसा है। वाह भाई ये भी बढ़िया है। चलते नेक्स्ट वाला फीचर के ऊपर जो कि भाई 15 ईयर स्पेशल बैनर। देखो ये वाला एक्सक्लूसिव बैनर कुछ ऐसा दिखता है, सेम टू सेम भाई पार्टी विलेजर ने जो केप पहन के रखा है वही वाला डिजाइन इसमें भी देखने को मिलता है। देखो एनिवर्सरी पार्टी चल रहा है और अपने को गिफ्ट ना मिले, ऐसा हो सकता है क्या? इस वाले एड ऑन के अंदर पार्टी विलेजर अपने को टोटल 5 तरीके का गिफ्ट देता है, और ये प्रेजेंट देखने में कुछ ऐसा है। देखो ज्यादा कुछ काम इसमें है नहीं, ये बेसिकली डेकोरेटिव आइटम है। इनमें से मेरे को सबसे बढ़िया लगा भाई ये वाला आइटम प्रेजेंट पाइल।
बेसिकली इस वाले आइटम के अंदर तीन गिफ्ट बॉक्स एक साथ में और काफी बढ़िया लग रहा है। देखो एनिवर्सरी पार्टी चल रहा है और हम लोग केक ना काटे ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन नॉर्मल केक से कहां ही मजा आने वाला है, इसीलिए पार्टी विलेजर अपने को दे रहा है भाई जायंट केक। देखो जायंट केक ऐसे हाथ में नहीं मिल जाएगा, अपने को बनाना पड़ेगा। तो जायंट केक का पहला पार्ट है भाई जायंट केक सेंटर, और जायंट केक सेंटर कुछ ऐसा दिखता है। पहले अपने को बीच में चार जायंट केक सेंटर लगाना पड़ेगा, उसके बाद है भाई जायंट केक एज जो कि कुछ ऐसा दिखता है। जायंट केक एज को अपने को जायंट केक सेंटर के चारों साइड लगा देना है कॉर्नर को छोड़ के। कॉर्नर के लिए अपने पास है भाई जायंट केक कॉर्नर जो कि कुछ ऐसा दिखता है भाई। जायंट केक कॉर्नर को अपने को हर एक कॉर्नर में फिट कर देना है। उसके बाद चार जायंट केक कॉर्नर लेके अपने को केक का सेकेंड लेयर भी तैयार कर देना है। और फाइनली अपना जायंट केक बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। लेकिन एक सेकेंड, जायंट केक को हम लोग नहीं खा सकते। जी हाँ, फालतू में बनाया भाई, डेकोरेटिव आइटम है ये, हम लोगों से खाया नहीं जाएगा। देखो अगर ये वाला केक काफी ज्यादा ही बड़ा लग रहा है तो पार्टी विलेजर अपने को केक का स्लाइस भी देता है। पार्टी विलेजर से हम लोग केक का स्लाइस ले सकते जो कि कुछ ऐसा दिखता है, बेसिकली छोटा केक। चलो जी भैया पार्टी विलेजर का लास्ट आइटम के ऊपर निकल लेते हैं जो कि है भाई कन्फेटी लेयर। कन्फेटी लेयर को हम लोग बड़े आराम से जमीन के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं, और फुल्ली रोटेबल आइटम है, जिस साइड को चाहो उस साइड को लगा सकते हो। तो चलो जी भैया पार्टी विलेजर का सारा सामान हो चुका है खत्म, तो इसको कर देते डिस्पॉन। तो बस भाई आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। एड ऑन के ऊपर ऐसी वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।